Myself Ravi Kindra, and today I will discuss with you upon the topic of capital. What is capital? Okay, what is capital? Capital. Normally, we have studied, our class teacher ne bhi hame study karwaya, ki amount invested by the owner. Amount invested by the owner is called capital. Amount invested by the owner is called capital. तो नॉर्मली हमें ये भी सिखाया गया कि जब कभी भी कोई ऑनर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम वो कैश लेके आता है तो कैश जब वो लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की वो एंट्री करता है. सपोज वो 2 लाख रुपए का कैश लेके आया, 2 लाख रुपए का कैश लेके आया और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें ये सिखाया गया कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश के अकाउंट में उसकी एसेट साइड में 2 लाख रुपए की होगी और उसकी कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए की होगी. तो बेसिक बड़ी नॉर्मल सी बात कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल. लेकिन अगर कुछ ही दिनों में अगर हम इस बिजनेस को वाइंड अप कर देते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो ये जो 2 लाख रुपए का जो कैश है जो ओनर लेके आया था, सो ये जो अमाउंट है ये एक बिजनेस की लायबिलिटी है ऑनर के प्रति. सो अब हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस towards the owner. तो अभी तक हमारे पास एक ही डेफिनेशन थी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल. तो अगर हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं सेम टाइम में हमारी कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है तो हम ये कहेंगे कि कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस towards the owner. दो डेफिनेशन हमारे पास कैपिटल की होगी. अब हम तीसरी डेफिनेशन जो लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से समझिए तो आपको कैपिटल का जो कंसेप्ट है कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सपोज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, तो मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश एसेट साइड में मेरे पास 2 लाख रुपए का आ गया और सेम टाइम पे एक बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसको मैंने कैपिटल का नाम दिया जो 2 लाख रुपए से एक जनरेट हो गई. अब क्योंकि मैं बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूं तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे स्टॉक भी चाहिए, मुझे परचेज भी माल करना पड़ेगा, तो मैंने थर्ड पार्टी से माल को परचेज कर लिया. तो जैसे ही मैंने थर्ड पार्टी को माल से माल परचेज करा तो मैंने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट. तो परचेज करने से जो मेरा स्टॉक था वो बढ़ गया. सपोज मैंने 50,000 रुपए का स्टॉक बढ़ा लिया और मैंने 50,000 रुपए से ही क्रेडिटर मेरे बढ़ गए. क्लियर है? अब ये जो स्टॉक मेरे बिजनेस में आया है इस स्टॉक को मैं लोगों को बेचूंगा भी, तो जिन लोगों को मैं बेचूंगा उन लोगों को मैं डेटर कहूंगा. तो इस 50,000 के स्टॉक में से मैंने 25,000 रुपए का जो स्टॉक था वो डेटर्स को बेच दिया. क्लियर है? तो 50,000 का स्टॉक मेरा कम हो गया, अब 25 पे रह जाएगा. 50,000 का स्टॉक मेरा कम हो गया वो 25 पे रह जाएगा. क्लियर है? और 25,000 के मेरे जो डेटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे. क्लियर है? कैश मेरे पास 2 लाख रुपए का है, स्टॉक मेरे पास 50,000 का था जो मैंने बेच के 25,000 का मैंने बेच दिया जिससे 25,000 रुपए के मेरे डेटर हो गए, बढ़ गए. क्लियर? अब मेरे पास 2 लाख रुपए का कैश है, 2 लाख रुपए की कैपिटल है, स्टॉक 25,000 रुपए का है, डेटर 25,000 रुपए के हैं और मेरे क्रेडिटर भी 50,000 रुपए के हैं. ठीक है? सेम टाइम पे मुझे और पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने बैंक से लोन लिया जिससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस मेरा 1 लाख रुपए का हो गया. क्लियर? और सेम टाइम पे मेरे पास एक बैंक लोन नाम की एक लायबिलिटी भी, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी जनरेट हो गई. 1 लाख रुपए का बैंक अकाउंट और 1 लाख रुपए का बैंक लोन अकाउंट. क्लियर है? तो आप देखिए 2 लाख रुपए और एक 3 लाख रुपए और टोटल मेरा हो गया 3,50,000 रुपए. टोटल मेरे पास हो गए 3,50,000 रुपए. इस साइड पे मेरे पास कैपिटल जो 2 लाख रुपए मैं लेके आया था, क्लियर, 50,000 रुपए के मेरे क्रेडिटर हैं जो मैंने स्टॉक लिया था और 1 लाख रुपए का मेरा बैंक लोन है. ठीक है? और ये टोटल बिकॉज एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैव अ डेबिट, तो जितनी मेरी एसेट्स हैं उतनी मेरी लायबिलिटी भी है. क्लियर है? सो दिस वाज अ सिंपल बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी. क्लियर है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल. ये डेफिनेशन में अच्छे से स्टडी कर ली, पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल. सेकंड डेफिनेशन कि कैपिटल कैपिटल इज द लायबिलिटी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक साइड कैश बढ़ रही है और एक साइड में इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ रही है. थर्ड जो मेन डेफिनेशन है, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं
कि एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट एंड द एवरी क्रेडिट हैव अ डेबिट, जितनी मेरे पास एसेट्स हैं उतनी मेरे पास लायबिलिटी भी है। अब देखिए, अब ये 2 लाख रुपए की कैश में से अगर बिजनेसमैन एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लेता है, सिंपल, अगर 2 लाख रुपए की कैश में से वो 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लेता है तो उसके पास कैश का बैलेंस 1 लाख रुपए रह जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस भी 1 लाख रुपए हो जाएगा। अभी तक भी उसकी बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है? इधर भी 3.5 लाख रुपए हैं और इधर भी 3.5 लाख रुपए हैं, दोनों साइड बराबर है। एवरी डेबिट हैव अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैव अ डेबिट, इक्वल। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि अगर प्लांट एंड मशीनरी अब ये आउट ऑफ फैशन हो जाता है और आउट ऑफ फैशन होने की वजह से ये जो 1 लाख रुपए का जो मैंने एसेट परचेज करा था और ये बिकता है 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, ठीक है, तो मेरा कैश 50,000 रुपये बढ़ जाएगा, मेरा जो कैश है वो 50,000 प्लस हो जाएगा, ठीक, और मेरी एसेट जो है वो 1 लाख रुपए की कम हो जाएगी, क्लियर। मेरी एसेट जो प्लांट एंड मशीनरी के नाम से है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा। अब ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी नहीं रही, ठीक है, जिसको मैंने बेच दिया है, और मेरा कैश का बैलेंस जो है वो 1 लाख से बढ़कर प्लस 50,000, मतलब कि 1,50,000 रुपये हो गया है, 1,50,000 रुपये हो गया है। अब ये देखिए कि इस साइड तो कोई चेंज नहीं हुआ, इस साइड 3,50,000 रुपये है और इस साइड जो है वो 1,50,000 और ये 2 लाख और ये 1 लाख, टोटल मेरे पास ये 3 लाख रुपया हो गया है, 3 लाख रुपए हो गया है, लेकिन बैलेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। एसेट मेरे पास 3 लाख रुपए की है जबकि मेरे पास लायबिलिटी जो है वो 3,50,000 रुपए की है। सो व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू कि व्हाट इज कैपिटल। सो कैपिटल इज अ क्लेम, अगर मैं इसको नाम दूं कि कैपिटल इज अ क्लेम, कैपिटल इज अ क्लेम, क्लेम आउट ऑफ टोटल टोटल एसेट्स, कैपिटल कैपिटल इज अ क्लेम आउट ऑफ टोटल एसेट्स। मीन टू से कि अगर आज की डेट में मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर देता हूं तो ये मेरे पास कैश है, इस स्टॉक को मैं बेच लूंगा, इस डेटर से मैं पैसे रिसीव कर लूंगा, बैंक बैलेंस ऑलरेडी मेरे पास है ही सही, तो ये जो मुझे लॉस हुआ है अब मैं बैंक को कहूंगा कि बैंक जी मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं लेकिन मुझे प्लांट एंड मशीनरी से 50,000 का लॉस हो गया है। तो बैंक क्या कहेगा मुझे? बैंक कहेगा भैया देख लॉस हुआ होगा तो तुझे हुआ होगा लेकिन मैं तो पूरा अमाउंट लूंगा, बैंक अपने अमाउंट में से 1 रुपया भी कम नहीं करेगा, क्लियर है? अब मैं क्रेडिटर को कहता हूं कि क्रेडिटर जी कि मुझे प्लांट एंड मशीनरी में से 50,000 रुपये का लॉस हो गया है तो क्या आप अपने अमाउंट में से कुछ पैसे कम लोगे? तो वो भी कहेगा कि नहीं, कॉमन सेंस है, वो भी कहेगा कि नहीं कि मैं अपने अमाउंट में 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तो ये जो लॉस है ये कौन सहन करेगा, इसका जो इफेक्ट आएगा वो कहां पे आएगा? उसका जो इफेक्ट है वो कैपिटल के ऊपर आएगा। सो कैपिटल इज द क्लेम आउट ऑफ द टोटल एसेट्स, ठीक है। सो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद जो मेरे पास बचेगा वही मेरी कैपिटल होगी, ठीक है। सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी कि कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर जिसकी मैंने एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर सेम डे को बिजनेस साइन अप करना पड़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल कैपिटल इज अ लाइबिलिटी दैट इज अ इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवार्ड्स द ओनर, सेकंड डेफिनेशन। और थर्ड डेफिनेशन क्या रही कि अगर मुझे कहीं कोई लॉस हो जाता है तो उसके लिए थर्ड पार्टी, जो थर्ड जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, उससे मेरी कैपिटल ही इफेक्ट होगी। सो कैपिटल इज द क्लेम, कैपिटल इज द क्लेम आउट ऑफ द टोटल एसेट्स। सो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो थैंक यू वेरी मच, आज का मेरा वीडियो स्पेशल कैपिटल के ऊपर ही था और मैं इसी तरीके से आप लोगों को अपने नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जो एसेट्स के ऊपर है, एक्सपेंस के ऊपर है, या डीपली जितने भी कंसेप्ट आएंगे बिल्स रिसीवेबल के ऊपर होंगे या बिल पेबल के ऊपर होंगे,
तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू अपने वीडियोस देता रहूंगा। और आई होप थिंक सो कि आपको मेरा ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।